हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है कपिल जैन और आज का वीडियो है हमारी जो सीरीज थी माय रेस टू मोनेटाइजेशन, उसका एपिसोड 2। एपिसोड 1 में मैंने बताया था कि गूगल एड्स कैसे बनानी है और उसको कैसे यूज़ करना है, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ टोटल फेलियर। और मैंने जो प्रॉमिस किया था कि आई विल ट्राई टू ब्रिंग या एड न्यू वीडियोज एज सून एज पॉसिबल, पर मैं वो ला नहीं पाया। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे को एक्चुअल गूगल एड्स का रिजल्ट देखना था, पर जो गूगल एड्स हमने लास्ट एपिसोड में सेट करी थी उससे नॉट अ सिंगल व्यू, आप स्क्रीन पे देखिए, मतलब एक व्यू एक इम्प्रेशन नहीं आया उससे। एक्चुअल में वो एड कोई भी रन ही नहीं हुई। लेकिन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया था गिव अवे का, उसका लिंक मैं ऊपर भी देके रखता हूँ। इस वीडियो के कारण मेरे सब्सक्राइबर्स डायरेक्टली 59 से 121 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये देखिए स्क्रीन पे 121 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है मेरे को। तो गिव अवे जो है ये एक चीज, मतलब हमने अभी तक ये जो देखी मेरा जो माय रेस टू मोनेटाइजेशन है, इसके अंदर एक चीज जानी कि जो गिव अवेज हैं दे कैन एक्चुअली गिव यू गुड रिजल्ट। मतलब उससे अच्छा इंटरेक्शन वगैरह भी होता है जो आपके ऑडियंस है उसका, दे एक्टिवली टेक पार्ट क्योंकि ऑब्वियसली दे कैन अर्न मनी फ्रॉम इट। इज वन ऑफ द वेज टू ग्रो योर ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स। बट लेकिन वो हम कोई हरदम तो कर नहीं सकते, यह खाली वो एक सॉल्यूशन नहीं है। तो आज हम गूगल एड्स वापस करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से सेटअप करते हैं गूगल एड्स को। तो आइए देखते हैं। तो इधर आप मैं ये YouTube स्टूडियो में जाइए, उसके बाद सपोज जो भी वीडियो का आपको प्रमोट करना है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरा ये जो टेक बैक का वीडियो है ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और इधर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और इधर प्रमोट पे क्लिक करते हैं। Get started. ठीक है, अब इसके अंदर ये वीडियो इसने अपने आप ले लिया जिसको प्रमोट करना है। फिर placed as a thumbnail, हमको क्या किस तरह से चाहिए, दो ऑप्शन है। ऑटोमेटिकली प्लेड बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर अदर यूट्यूब वीडियोस, नहीं हमको वो नहीं चाहिए, उसमें तो क्या वो स्किप एड और वो सब होता है। हमको चाहिए कि जो कोई और वीडियो है उससे रिलेटेड, ना हमारे वीडियो से रिलेटेड जो वीडियो है उसके साइड में वो डिस्प्ले करे। तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट करा हूँ प्लेस एज अ थंबनेल नेक्स्ट टू रिलेटेड वीडियो और ऑन द यूट्यूब होम पेज। ठीक है, अब इसके बाद ये पूछ रहा है हाउ डू यू वॉन्ट योर एड टू अपियर, तो इसमें जो उसका थंबनेल हमने वीडियो का रखा वही। फिर टाइटल पूछ रहा है, तो इसके अंदर जो मैंने रखा था मतलब बाय डिफॉल्ट जो मेरे वीडियो का टाइटल है मैं वही रख रहा हूँ। तो अभी फिर डिस्क्रिप्शन लाइन 2, तो इधर मैं लिख देता हूँ बेस्ट टेक बैग फॉर यूट्यूबर्स, नीचे सेकंड में बेस्ट टेक बैग फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स सिस एडमिन्स। ठीक है, इतना करते हैं एक बार। नेक्स्ट, अब ये लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ प्रमोट करना है। तो मेरा वीडियो हिंदी में है तो मैं इसको इंडिया और इंडिया के आसपास के कंट्रीज जहाँ पे हिंदी बोली जाती है जैसे नेपाल, फिर मतलब आपका वीडियो जहाँ पे आप चाहते हैं प्रमोट करना वो कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में उर्दू हिंदी एक ही है, बांग्लादेश भी कर लेते हैं, उधर भी हिंदी का है काफ़ी। तो अभी ये चार कंट्री मैंने लिए हैं। फिर पूछ रहा है व्हाट लैंग्वेज डू योर कस्टमर स्पीक, जो विजिटर्स हैं हमारे, तो एक तो इंग्लिश, फिर हिंदी, मैं एक उर्दू भी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उर्दू बेसिकली इट्स जस्ट लाइक हिंदी। अभी फिलहाल 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर ये आ गया एवरेज व्यू कॉस्ट पर व्यू, इसके हिसाब से गूगल के हिसाब से 0.29 पैसा टू 1.12, हम इसको बाद में एडजस्ट करेंगे। एज ग्रुप
मैं अप टू 45 का ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और अननोन, मतलब मेल फीमेल अननोन, जेंडर में, एज में 18 टू 24, 25 टू 34, 35 टू 44, 45 से 65 प्लस वाले मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि उनको इस में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और अननोन, फिर नॉट अ पेरेंट, पेरेंट अननोन, इतना सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। रीच पीपल विद दिस स्पेसिफिक इंटरेस्ट दैट यू, अब आपके ऊपर, अब आप क्या आपका है, तो मेरा तो मैं चाहता हूँ कि जो टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी बेसिकली उनके लिए है ये, तो मोबाइल एंथुसियास्ट, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट, टेक्नोफाइल्स, ये एक हो गया। शॉपर्स में कोई है क्या? नहीं, इसके अंदर अपनी कोई कैटेगरी नहीं है, एटलीस्ट इस वीडियो से रिलेटेड की कोई कैटेगरी नहीं है, तो आई थिंक इतने पे ट्राई करते हैं। अब ये पूछ रहा है डेली बजट कितना है, तो मैं डेली बजट 200 रखता हूँ, तो वो इसके हिसाब से अगर 200 रुपीज में डेली स्पेंड करता हूँ तो इसके इम्प्रेशंस आएंगे करीब 58,000 टू 170,000 इम्प्रेशंस, 1,000 से 3.9 के व्यू, वीकली परफॉर्मेंस की बात हो रही है, और कॉस्ट आएगी इसके अराउंड 0.30 पैसा से 1.12। नेक्स्ट, ओके, डेली बजट वगैरह सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब एड आई थिंक हमारी पूरी ऑलमोस्ट सेट हो गई है, फाइन, बजट भी हो गया है, ओके। तो अब एट प्रेजेंट हमारी पॉलिसी, मतलब एड हमारी सेट हो गई है, अब खाली गूगल एड्स जब इसको अप्रूव करेगी तो वो, तो अब ये जो वीडियो है इसका जो भी परफॉर्मेंस आएगा, जैसे ही मतलब आफ्टर वन वीक मैं आपको इसका एपिसोड 3 करूँगा और उसके अंदर इस एड का क्या रिजल्ट है वो आपको शो करूँगा। अभी मैं एड्रेस एक ही वीडियो को प्रमोट कर रहा हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊँगा। सो एक मिनट, ठीक है, जस्ट आपके आप वापस एक बार देख सकते हैं, इससे पहले के जो भी ऐड थी मेरी कोई ऐड का कोई वीडियो ही नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर मैंने सिलेक्ट करा था 0.20 पैसा पर व्यू, और आई थिंक वो CPV मेरा जो गूगल उतने पैसे में मेरे को प्रमोट, मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं करना चाहता था, तो इसलिए एक भी ऐड नहीं आया। तो अभी ये ऐड देखते हैं, इसके अंदर मैंने गूगल के ऊपर छोड़ दिया उसको क्या चार्ज करना है, कितना पर व्यू, अब इसका हम रिस्पॉन्स देखते हैं। आज की डेट है 17th August और मेरे करंट सब्सक्राइबर्स हैं 121, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट रहा इसका। सो नेक्स्ट वीडियो भी अगर आप चाहते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का इंटीमेशन जल्द से जल्द मिल सके। आई होप ये जर्नी मेरी मोनेटाइजेशन की सक्सेसफुल रहेगी, और जब तक नहीं होगी आई विल कीप ट्राइंग, कुछ भी करके मेरे को मोनेटाइज कराना है, तो विश मी लक एंड स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।